हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है प्रिपरेशन। देखिए, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, जिन्होंने भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होने वाले हैं जिसमें आपको इंग्लिश आने वाला है ना, तो वहां पर इंग्लिश में ये जो चैप्टर है प्रिपोजिशन नाम का, एक बहुत ही भारी भरकम मात्रा में पूछा जाता है, तो इस कारण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि प्रिपोजिशन नाम के इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पर क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज्यादा देखी जाती है ना। कहने का मतलब और चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस प्रिपोजिशन से देखे जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना। और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये चैप्टर जो है थोड़ा सा टफ भी है। अब वो टफ क्यों है? अब देखिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है वो टफ तो होगी ही, है ना, ऐसे नौकरी तो मिलेगी नहीं। ओके, तो टफ क्यों है? देखिए, यहां पर ना थोड़ा सा हमको क्या है कि कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी जिसके कारण से ये जो चैप्टर है थोड़ा टफ बन जाता है। अब ऐसा तो है नहीं सारी की सारी चीजें रटनी पड़ेंगी, बट बहुत सारी चीजें यहां पर रटनी पड़ेंगी। जैसे कि हम पढ़ते हैं जो वर्ड्स होते हैं, स्पेशल कोई वर्ड होता है उस वर्ड के साथ फिक्स प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं ना, तो उन वर्ड्स को अधिकतर हमको रटना पड़ता है। बट ऐसी कोई बात नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी की कोई भी बात नहीं, कोई मैटर नहीं करती है। जब आप रिविजन करोगे तो सारी कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल हो जाएंगे आपके लिए, तो घबराने की कोई भी बात नहीं है। और जहां से आपका सिलेक्शन होना पक्का है वो तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी हम अपना चैप्टर करते हैं स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम क्या है? प्रिपोजिशन। तो देखिए बच्चों, प्रिपोजिशन के बारे में आपने छोटी क्लासों में पढ़ा ही होगा, सुना होगा क्लासों में, आपने 12th तक पढ़े हो तो आपको जरूर पता होगा कि प्रिपोजिशन क्या होता है। तो मैं भी थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूं आपको प्रिपोजिशन एक्चुअली में क्या होता है। तो प्रिपोजिशन एक वो शब्द होता है या फिर शब्दों का एक वो ग्रुप होता है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के सामने जुड़ता है। और जुड़ता किस लिए है? उस नाउन या प्रोनाउन का किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताने के लिए, ठीक है। अब यही बात आप इंग्लिश में बोलना चाहते हो, इंग्लिश में बोल लीजिए, हमको समझ आना चाहिए बस, है ना। जैसे कि कहें तो अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, ऐसे अपन इंग्लिश में बोल देंगे। ओके, तो हमको पता चला कि प्रिपोजिशन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के सामने जुड़कर उस नाउन या प्रोनाउन की दूसरे नाउन या प्रोनाउन से कुछ रिलेशन बताते हैं, उनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है, देयर इज अ कैट सिटिंग अंडर द टेबल। अब देखिए, कैट जो है वो एक नाउन है। अब इस कैट की सिचुएशन बताई है कि कैट जो है टेबल के नीचे बैठी है ना, और वो सिचुएशन बताने के लिए किस वर्ड का यूज किया गया है? अंडर वर्ड का। तो अंडर वर्ड यहां पर प्रीपोजिशन है। ओके बच्चों, तो आगे बात करते हैं हम प्रीपोजिशन के कुछ काइंड्स के बारे में। अब देखिए, एक्चुअली में प्रीपोजिशन तीन तरीके से अपन पढ़ते हैं अपनी सुगमता के अनुसार, है ना। कहें तो अपनी पढ़ाई को, अपने पढ़ने को थोड़ा सा सरल बनाने के हिसाब से अपन ने तीन टाइप से बांटा हुआ है, ऐसी कोई टाइप एक्चुअली में है नहीं, है ना। तो देखिए, प्रीपोजिशन का फर्स्ट टाइप होता है सिंपल प्रीपोजिशन। अब बात करें सिंपल प्रीपोजिशन क्या होते हैं, तो सर जो प्रीपोजिशन ओनली सिंगल वर्ड के होते हैं, जैसे कि ऑन है, ऑफ है, टू है, एट है, ऐसे कुछ वर्ड जो सिंगल वर्ड में आते हैं और प्रीपोजिशन की तरह यूज होते हैं तो वो सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन सेकंड टाइप है। और कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होता है कि जब प्रीपोजिशन किन्हीं दो अन्य प्रीपोजिशन से मिलकर बना हुआ, जैसे कि अप टू बन गया, ड्यू टू बन गया, मतलब कि दो वर्ड से मिलकर बना, ओइंग टू बन गया, ऐसे कुछ, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, एक नहीं दो वर्ड साथ में लेकर आएंगे या फिर तीन वर्ड में साथ में लेकर आए तो वो हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स। बात करते हैं तीसरे टाइप की, और वो है एडजेक्टिवल प्रीपोजिशन। अब ये क्या चीज है भाई? हाँ जी, तो देखिए ये वर्ड, इसमें एग्जांपल देखिए क्या दिया है, लाइक और अनलाइक। तो बच्चों, लाइक और अनलाइक ये कुछ ऐसे वर्ड नहीं नजर आ रहे आपको कि ये शायद हमने कहीं एडजेक्टिव में देखे हैं, है ना। ये कहीं ना कहीं किसी चीज की विशेषता बताते हैं या फिर कुछ ऐसा काम करते हैं, है ना। तो एडजेक्टिव, कुछ ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स जो प्रीपोजिशन के रूप में यूज होते हैं उनको अपन
एडजेक्टिवल प्रेपोजिशन कहते हैं, जैसे लाइक है, अनलाइक है, इंक्लूडिंग है, ड्यूरिंग है, ऐसे कुछ वर्ड्स हो जाएंगे जो कि अपने एडजेक्टिवल प्रेपोजिशन हो जाएंगे। ओके ठीक है, आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, आगे देखिए, यदि हम बात करें आगे प्रेपोजिशन की, तो प्रेपोजिशन को हम तीन या चार तरीके से पढ़ते हैं। अब वो किस टाइप से पढ़ते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, प्रेपोजिशन को पढ़ने के लिए अपन कई तरीकों का यूज करते हैं। जैसे कि हम पहला टाइप पढ़ते हैं कि प्रेपोजिशन सिंगल वर्ड के लिए जब यूज होता है, जैसे कि एडिक्टेड वर्ड के लिए कुछ प्रेपोजिशन यूज किया जाता है, हैबिचुएटेड वर्ड के लिए कुछ प्रेपोजिशन यूज किया जाता है। कहने का मतलब फिक्स प्रेपोजिशन के टाइप में अपन पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप में अपन पढ़ते हैं डबल मीनिंग का जो प्रेपोजिशन होता है, जैसे कि एक वर्ड है और एक वर्ड के साथ साथ दो प्रेपोजिशन यूज हो रहे हैं, तो उस वर्ड को एक साथ ही कंप्लीट कर लिया जाता है। तो इस तरीके से पढ़ते हैं सेकंड टाइप में। और थर्ड टाइप में अपन पढ़ लेते हैं कॉन्सेप्ट के अनुसार। कहने का मतलब वहां पर हमारे लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए होंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके अपन पता करेंगे कि यहां पर एक्चुअली में क्या प्रेपोजिशन यूज होने वाला है। तो आखिरकार इन्हीं तीन टाइप से ज्यादातर प्रेपोजिशंस को कवर कर लिया जाता है। और भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि फ्रेजल वर्ब वगैरह में भी प्रेपोजिशन आते हैं, तो उनको भी फिक्स प्रेपोजिशन के रूप में यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, जैसे कि बात करते हैं ऑन, अपॉन, ओवर, अंडर। चारों की चारों प्रेपोजिशंस यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट में क्लियर हो जाएंगे। अभी कराता हूं, जस्ट एक मिनट, पलक झपकते ही आपका यह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, बात करते हैं ऑन की, अपॉन की, ओवर की। तो ये तीनों के तीनों प्रेपोजिशंस, ऑन, अपॉन, ओवर, ये तीनों के तीनों प्रेपोजिशंस किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से हायर पोजीशन को बताती हैं। कहने का मतलब, यदि कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर रखी होगी या फिर उसके ऊपर होगी, उसके हायर पोजीशन होगी, उससे ऊंची पोजीशन होगी या स्थिति होगी, तो वहां पर अपन ऑन, अपॉन और ओवर का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है, हमने ले लिया एक बॉक्स। देखिए कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे, यहां पर हमने ले लिया एक बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के ऊपर यदि हमने एक एप्पल रख दिया, कोई भी है, एप्पल रख दिया कुछ भी, ठीक है, बॉक्स के ऊपर एप्पल रख दिया और बॉक्स और एप्पल में टचिंग है, ये दोनों आपस में टच कर रहे हैं, समझे ना क्या कह रहा हूं मैं, ये दोनों यदि आपस में टच कर रहे हैं तो एप्पल के लिए अपन ऑन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। ओके, समझे होंगे आप। अगली बात करते हैं अपॉन की। अपॉन क्या होता है कि देखिए, यहां पर ये बॉक्स रखा है और इस बॉक्स के ऊपर कोई तितली उड़ने लग जाए, क्या एक बटरफ्लाई उड़ने लग जाए, मतलब कि मोशन में कोई वस्तु या फिर कोई भी चीज मोशन में हो और हायर पोजीशन में हो, मोशन में होना और हायर पोजीशन होना, मतलब कि यहां पर ये उड़ेगी, बैठेगी नहीं, उड़ेगी, है ना। उड़ने के लिए यहां पर अपॉन प्रेपोजिशन का यूज कर देंगे। एक चीज होती है ये कि यदि ये तितली कहीं किसी पेड़ पर बैठी है और उसके नीचे बॉक्स रखा है, कहने का मतलब कि ये तितली अब मोशन में नहीं है, हायर पोजीशन में है, टच में नहीं है, बट मोशन में भी नहीं है। मोशन में ना होने के लिए यहां पर ओवर का यूज कर देंगे। ठीक है, तो तीनों की तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अगली बात करते हैं अंडर की। तो अंडर का कॉन्सेप्ट ये है कि किसी वस्तु के नीचे विदाउट मोशन, किसी वस्तु के नीचे, यहां पर जैसे कि सेब रख दिया, विदाउट मोशन रखा हुआ है, मोशन नहीं कर रहा, गतिशील नहीं है, तो इसके लिए भी अपन अंडर का यूज करेंगे। देखिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि हमने लिया एक एग्जांपल, देयर इज अ फैन ब्लैंक यू। अब मेरे लिए बताइए कि यहां पर अपन क्या यूज करें। सिंपल सी बात है, अपन ओवर यूज कर देंगे। ओवर क्यों यूज किया कि देखिए हमारे ऊपर एक पंखा है और वो पंखा बंद है, मान लिया, ठीक है, तो पंखा है हमारे ऊपर, हम नीचे हैं, पंखा ऊपर छत पर है, सीलिंग फैन, ठीक है, तो बीच में टचिंग तो है नहीं, गैप है बहुत ज्यादा, पर पोजीशन पंखे के ऊपर है, इसलिए हमने ओवर का यूज कर दिया। ओके, बात करते हैं द कैट इज सिटिंग ब्लैंक द टेबल। अब देखिए यहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, ये जो एग्जांपल है, यहां पर दो दो कॉन्सेप्ट यूज हो जाएंगे। जैसे कि भाई हमको क्या पता कि टेबल के ऊपर बैठी है या फिर नीचे बैठी है, बिल्ली बैठी है बट ऊपर बैठी है या नीचे बैठी है, नहीं पता ना, ठीक है जी। अब देखिए बिल्ली बैठेगी तो टच में बैठेगी, भाई किसी मेज पे यदि बिल्ली बैठेगी तो टच में बैठेगी, तो यहां पर ऑन का यूज कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है नहीं कि वो ऊपर उड़ेगी, उसके ऊपर ही तो बैठेगी टच में, तो
ऑन का यूज कर सकते हैं या फिर अंडर का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि नीचे भी तो बैठ सकती है बिल्ली, आंखी ना, बिल्कुल सर। अगली बात करते हैं द कैट जंप। अब देखिए देखिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ये कॉन्सेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कह सकते हैं कि अपवाद स्वरूप है। देखिए बात करते हैं, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को, यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को पूरी तरह से कवर करे, कहने का मतलब उसके सारे के सारे सरफेस को कवर करे, दूसरी वस्तु के सरफेस को कवर करे, अब चाहे वो टच में हो या फिर ना हो। मैं क्या कह रहा हूं अच्छे से सुनना, यदि कोई वस्तु ऊपर वाली वस्तु है जो है ना, ऊपर वाली वस्तु किसी नीचे वाली वस्तु के पूरे सरफेस को कवर करे, चाहे वो मोशन में हो, चाहे वो टच में हो, चाहे ना हो, ठीक है, कवर करना चाहिए नीचे वाली का सारा सरफेस, उसकी सारी की सारी सतह ऊपर वाली वस्तु के द्वारा कवर की जानी चाहिए। तो वहां पर अपन ओवर प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। अब देखिए द कैट जंप्ड, तो बिल्ली ने चूहे के ऊपर छलांग लगाई, कहने का मतलब यह है कि बिल्ली चूहे को जकड़ लेगी, पूरे के पूरे चूहे को अपने नीचे दाब लेगी, चूहे का सारा के सारा जो सरफेस है उसका जो पूरा के पूरा कवरेंस बन रहा है उसको, जो उसका एरिया है, तो वो सारा के सारा एरिया उस बिल्ली के द्वारा कवर कर लिया जाएगा, हाँ कि ना, तो इसलिए यहां पर ओवर का यूज कर देंगे। अब देखिए ये मैटर नहीं करता कि बिल्ली उसके टच में हो या फिर ना हो, यहां पर टचिंग मैथड मैटर बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर होता है। अगला कॉन्सेप्ट देखिए जरा, ठीक है, आगे देखिए अगला कॉन्सेप्ट है अपने पास बिटवीन अमोंग और एमिल का। हाँ जी, बिटवीन अमोंग और एमिल। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट में क्या है कि सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि बिटवीन और अमोंग और एमिल भी इन्हीं का एक रूप है, और वो थोड़ा सा अलग है, वो बताऊं मैं किस तरीके से अलग है, ठीक है। तो बिटवीन और अमोंग जो प्रेपोजिशन है उनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रेपोजिशन बोला जाता है, मतलब कि ये दो या दो से अधिक के बीच, दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सेपरेशन करते हैं, इसलिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रेपोजिशंस बोला जाता है। अब देखिए पहली बात मैं आपको बता दूं कि अमोंग अमोंग और बिटवीन के बाद कोई भी यदि नाउन आएगा तो वो नाउन कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं होगा, हमेशा ये अपने बाद प्लूरल नाउन लेने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि बिटवीन और अमोंग के बाद कभी भी ईच या एवरी वर्ड का यूज नहीं होगा। अब वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि ईच या एवरी वर्ड अपने साथ सिंगुलर नाउन लेगा, जो कि यहां पर पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि बिटवीन और अमोंग के बाद कभी भी सिंगुलर नाउन नहीं आएगा, जबकि प्लूरल नाउन आएगा। और दूसरी बात यह है कि बिटवीन और अमोंग के बाद कभी भी ईच या एवरी नाम का वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों वर्ड ऐसे होते हैं जो अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बिटवीन अमोंग और एमिल कहां पर यूज किए जाते हैं। ओके, देखिए बिटवीन क्या होता है, जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के बीच में बंटवारा किया जाता है या फिर सेपरेशन किया जाता है, वहां पर अपन बिटवीन का यूज करते हैं। ओके, आगे बात करते हैं अमोंग की। तो देखिए दो या दो से अधिक वस्तु या व्यक्ति जब हो जाते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हो जाते हैं और उनके बीच में किसी सेपरेशन का बात किया जाता है या फिर उनके बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाता है, तो वहां पर अपन अमोंग को लेकर आते हैं। आगे बात आती है कि सर एमिड क्या होता है फिर। हाँ जी, एमिड भी वही है। देखिए एमिड और अमोंग ये लगभग लगभग सेम है। अब इनमें अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए जब हम डिस्ट्रीब्यूशन या सेपरेशन काउंटेबल नाउंस के बीच करते हैं, काउंटेबल नाउंस के बीच जिन्हें गिना जा सके उनके बीच में जब सेपरेशन करते हैं तो अमोंग का यूज करते हैं, और जब सेपरेशन अपन अनकाउंटेबल नाउंस के बीच करते हैं तब अपन एमिड का यूज करते हैं। ओके, समझ गए होंगे क्या कहा था मैंने कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की बात आए और उनके बीच में सेपरेशन करना हो तब अपन अमोंग या एमिड, इन दोनों में से किसी का भी यूज करते हैं एज पर रूल्स। जैसे कि यदि वो दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु काउंटेबल होंगे तो अमोंग का यूज करेंगे, और यदि अनकाउंटेबल होंगे तो एमिड का यूज करेंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है। देखिए आर्म्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पर अपन को यूज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, द बैगर्स मतलब कि भिखारियों के बीच में। तो भिखारी जो वर्ड है आप जानते हैं, है ना, बैगर्स जो वर्ड है वो एक काउंटेबल वर्ड है,
देन यहां पर अपन अमोंग वर्ड का यूज कर देंगे, है ना, बैगर्स प्लूरल है तो अमोंग वर्ड का यूज कर देंगे। आगे बात करते हैं द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स स्टूडेंट्स। अब देखिए अध्यापक ने स्वीट्स बांटी हैं किनके बीच, स्टूडेंट्स के बीच, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहां पर भी अपन अमोंग का यूज कर देंगे। ओके बात करते हैं आगे द मैच विल बी प्लेड ब्लैंक इंडिया एंड न्यूजीलैंड। तो इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में एक मैच खेला जा रहा है, खेला जाएगा, ठीक है, तो इंडिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में दो ही तो हैं, दो से ज्यादा तो नहीं है, इसलिए यहां पर अपन बिटवीन का यूज करेंगे। ओके दो से ज्यादा नहीं है इसलिए बिटवीन का यूज किया। अगली बात द बिल वाज पास्ड, अब देखिए पैंडेमोनियम पैंडेमोनियम। ओके यहां पर आप एक चीज देख लीजिए, जो पैंडेमोनियम वर्ड है ये वर्ड अनकाउंटेबल है ना, है कि नहीं, महामारी अनकाउंटेबल ही तो है, तो इसलिए यहां पर एमिड का यूज कर दिया जाएगा। आगे बात करें आई केम हियर ब्लैंक हैवी रेन, तो हैवी रेन भारी वर्षा है ना, तो भारी वर्षा ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए यहां पर भी एमिड का यूज कर दिया जाएगा। ओके इसी बिटवीन अमोंग और एमिड से रिलेटेड कुछ रूल्स अपने पास हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे, देखते चलो। इन्हीं के बारे में कुछ रूल्स हैं हमारे पास, उन रूल्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, चलिए देखते हैं आगे। हाँ जी तो देखिए आगे मैंने बताया था कि बिटवीन अमोंग और एमिड के लिए कुछ रूल्स हैं जो कि हमको पढ़ने बहुत जरूरी है। देखिए क्या रूल्स हैं वो, तो यदि हम कंजेक्शन की बात करें, किस चीज की, यदि अपन कंजेक्शन की बात करें तो कंजेक्शन में पेयर बनते हैं प्रपोजिशंस के, है ना, तो कुछ उन पेयर से रिलेटेड हमारे पास कुछ एरर्स आ जाती हैं तो उनको अपन रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि देखिए बच्चों बिटवीन के साथ एंड का पेयर बन जाता है तो ये सही है, यदि आपको कहीं किसी सेंटेंस में बिटवीन के साथ एंड का पेयर मिले देन इट वुड बी राइट, और यदि फ्रॉम के साथ टू का एरर मिले, फ्रॉम के साथ टू का पेयर मिले तो ये भी सही है, बट यदि बिटवीन का टू के साथ पेयर मिल जाए तो ये बिल्कुल गलत होगा, और फ्रॉम का एंड के साथ पेयर मिल जाए तो ये भी बिल्कुल गलत होगा, बिटवीन का अलोंग विद के साथ पेयर मिल जाए तो ये भी बिल्कुल गलत होगा। तो आप कहोगे कि ये ही मैंने क्यों पढ़ाए, क्योंकि बच्चों ये ज्यादातर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं और ये ही चार पांच टाइप हैं जो कि अक्सर करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनके पेयर बनाकर दे दिए जाते हैं बिटवीन का टू के साथ फ्रॉम का एंड के साथ। तो यहां पर हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि बिटवीन का पेयर एंड से बनेगा फ्रॉम का टू से बनेगा, जबकि बिटवीन का टू से बनने वाला नहीं है और फ्रॉम का भी एंड से नहीं बनने वाला है, और बिटवीन का अलोंग विद के साथ भी कोई पेयर नहीं बनने वाला है। देखिए अलोंग विद अलग ही यूज होता है, जैसे कि अपन यूज करें एग्जांपल से हमने राम अलोंग विद श्याम इज गोइंग टू दिल्ली, तो राम श्याम के साथ दिल्ली जा रहा है, तो अलोंग विद का अलग ही यूज होता है, अलोंग विद का बिटवीन के साथ पेयर नहीं होता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई एरर आपको पूछी जाती है तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, ये मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पर। देखिए रूल नंबर टू क्या है कि सर कहीं भी अपन ईच या एवरी का यूज बिटवीन के बाद नहीं करते हैं, ये बात आप ध्यान रखना कि बिटवीन के जस्ट बाद अपन ईच या एवरी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ध्यान रखना ईच या एवरी का यूज कहीं बिटवीन के बाद मिल रहा है तो वहां पर अपन एरर स्पॉट कर देंगे, वहां पर उसको बिल्कुल गलत कर देंगे। ओके अगली बात है रूल नंबर थर्ड में, देखिए कि बच्चों देखिए कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने कि जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा और डिस्ट्रीब्यूशन भी प्लूरल नाउंस के बीच में करना होगा, कहने का मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, फिर भी वहां पर बिटवीन का यूज किया जाएगा ना कि अमोंग या एमिड का। जैसे कि एक स्पेशल केस हमारे पास है, देखिए यदि किसी सेंटेंस में डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपन को एक स्पेशल वर्ड दे दिया डिफरेंस, तो डिफरेंस वर्ड के साथ यदि हमको डिस्ट्रीब्यूशन करना है और दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में तो अपन बिटवीन वर्ड का ही यूज करेंगे ना कि अमोंग या एमिड का। तो यहां पर जैसे कि एग्जांपल दिया है व्हाट आर द डिफरेंसेस, तो यहां पर बिटवीन का यूज करना है, बशर्ते देखिए यहां पर कैट डॉग और काउ तीन चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तीन चीजों का सेपरेशन किया गया है बट फिर भी बिटवीन का यूज हुआ है ना, उसी लिए मैंने बताया है कि डिफरेंस के साथ अपन बिटवीन का ही यूज करते हैं, अमोंग और एमिड का यूज नहीं करेंगे, भले ही जो हमारा नाउन है वो प्लूरल ना हो। ठीक है तो बच्चों यहां पर दो तीन क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस
आज फिर भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, है ना। ऐसी छोटी छोटी वीडियोज में मैं आपको एक सारा ही सारा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा, फिर अपना अलग दूसरा चैप्टर उठाएंगे। तो बच्चों आज के लिए यही, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।